हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंथोलॉजी मूवी अजीब दास्तान्स को, जो 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक ड्रामा रोमांस मूवी है। दोस्तों, एंथोलॉजी मूवीज काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, जिसमें कई स्टोरीज आपको एक साथ पे देखने को मिलती हैं। वैसे ही नेटफ्लिक्स की न्यू मूवी अजीब दास्तान्स भी एक एंथोलॉजी मूवी है। और इसका नाम देखा जाए जो कि अजीब दास्तान्स है, तो आपको हर स्टोरी का ट्विस्ट भी अजीब ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे से लिखा और दिखाया गया है। इस मूवी में 4 शॉर्ट स्टोरीज दिखाई गई हैं, जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, और हर स्टोरी को अलग अलग डायरेक्टर और राइटर ने डायरेक्ट और लिखा है। सो मैं भी इस वीडियो में हर स्टोरी को इंडिविजुअल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। दोस्तों, सेकंड स्टोरी की बात करते हैं, जिसका नाम है खिलौना। और इसमें लीड कैरेक्टर्स में नुसरत बरूचा एज मीनल, इनाया वर्मा एज बिनी और अभिषेक बैनर्जी एज सुशील है। और इसे डायरेक्ट राज मेहता ने किया है, जिन्होंने इससे पहले गुड न्यूज मूवी डायरेक्ट करी है। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट कर चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें एक बच्ची बिनी और एक आदमी सुशील दिखाए जाते हैं। सुशील एक कॉलोनी के बाहर आयरन करने का काम करता है, और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि ये ऑफिसर बिनी से सवालात कर रहा होता है। तो ये कहानी कभी पास्ट कभी प्रेजेंट में चलती रहती है। बिनी की एक बड़ी बहन होती है, जिसका नाम होता है मीनल, जो घर घर काम करके पैसा कमाती है। वो एक घर में काम कर रही होती है, जहाँ की मालकिन आभा कभी माँ नहीं बन सकती थी। मीनल अपनी प्रॉब्लम बताती है आभा को कि कैसे इसके घर का कनेक्शन कट गया है और इसके घर में बिजली नहीं है। तो आभा इसे न्यू सेक्रेटरी से बात करने के लिए कहती है, जिसका नाम है विनोद। वहीं प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर मीनल से पूछताछ कर रही है और यहाँ कोई इंसिडेंट पेश आया है। और इसी बीच मीनल से पूछा जाता है कि उसका उस आयरन करने वाले सुशील से क्या रिश्ता है। वहीं पास्ट में हम देखते हैं कि सुशील मीनल को बार बार यही कहता है कि यहाँ मत आया करो। विनोद बहुत डांटता है कि तुम औरतबाजी करते हो, वो मेरी दुकान बंद करवा देगा। और इतनी ही देर में विनोद वहाँ आता है और मीनल उसे बताती है कि मेरी छोटी बहन एक सरकारी स्कूल में है, एक अच्छा काम मिल जाए तो किसी अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवा दूंगी। और विनोद इसे अगली सुबह घर आने का कहता है। मीनल सुशील को बताती है कि उसे विनोद के घर इसलिए काम करना है क्योंकि वो यहाँ का सेक्रेटरी है और उसी ने उसके घर की बिजली काटी है। उसके घर काम करेगी तो उससे बिजली वापस लाने के लिए आसानी से कह पाएगी, क्योंकि बिनी बिना टीवी देखे नहीं सो पाती। खैर, अगले दिन मीनल विनोद के घर जाकर काम शुरू कर देती है और विनोद की वाइफ का बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। वहीं विनोद मीनल को कुछ अलग नजरों से देखने लगता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां पुलिस सुशील को मार रही होती है, जिसकी चीखें मीनल को सुनाई देती हैं। और मीनल पुलिस को बताती है कि ये सब काम आभा ने किया होगा, क्योंकि वो बांझ है और हमने कुछ भी नहीं करा। पास्ट का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहां विनोद की वाइफ और आभा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और आभा कहती है मीनल से कि तुमने मेरे घर का काम क्यों छोड़ दिया। तो जिस पर मीनल जवाब देती है कि दीदी प्रेग्नेंट है, इसलिए यहां कर रही हूं, जब आप प्रेग्नेंट होंगी तब वापस आपका काम ज्वाइन कर लूंगी। और ये बात आभा को काफी ज्यादा चुभती है। खैर, कुछ दिन गुजरने के बाद विनोद के यहाँ बच्चा पैदा होता है और मीनल उस पर अपना झूठा प्यार जताने लगती है। और रात में यही बात बिनी मीनल से पूछती है कि तुम्हें क्यों उस बच्चे पर इतना प्यार आ रहा था। जिस पर मीनल कहती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं था, मैं उस बच्चे का डायपर बदलूं, उसका ख्याल रखूं, ये लोग बस उसके साथ खेलने आ जाते हैं, जैसे कि उनका बच्चा नहीं है, बस खिलौना हो। अगली सुबह विनोद मीनल के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम्हें बिजली चाहिए, इसके जवाब में मीनल हाँ बोलती है। और विनोद मीनल के करीब आने लगता है और मीनल किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर भाग जाती है और सुशील को सब बता देती है कि इतने में ही वहाँ विनोद आकर सुशील को बहुत मारता है कि तुम्हें मना करा था, औरतों से ज्यादा बातें मत किया करो। और फिर एंड में मीनल और बिनी को शाम की दावत के लिए इनवाइट कर देता है और जाते जाते सुशील को भी इनवाइट कर देता है। ये पार्टी उनके बेबी की वेलकम पार्टी होती है। सुशील रात में उस पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन उसे मजा नहीं आता और एक शराब की बोतल वहां से लेकर वो चला जाता है। और रास्ते में उस गली के ट्रांसफार्मर पर पत्थर मारकर उसको उड़ा देता है और पार्टी में लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद विनोद और उसकी वाइफ अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं। सब लोग हर जगह ढूंढते हैं लेकिन बच्चा नहीं मिलता।
जब अपने बच्चे को ढूंढते हुए विनोद किचन में आता है तो उसकी नजर प्रेशर कुकर पर पड़ती है और उसमें से खून निकल रहा होता है, जिसका मतलब है किसी ने विनोद के बच्चे को उस कुकर में डाल दिया और इसी की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद वहां पर देखते हैं आभा आती है और पुलिस को कुछ बताने लगती है। खैर एंड में फाइनली हमें ये बात पता चलती है कि उस बच्चे को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि बिनी होती है, क्योंकि बिनी को ये लग रहा होता है कि वो बच्चा बस उनके लिए एक खिलौना था और उसके बैग से उस बेबी का एक टॉय भी मिलता है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बेसिकली दोस्तों ये कहानी हमें अमीरी गरीबी दिखाती है कि गरीब लोग के साथ जब चाहे मारपीट कर सकते हैं, जब चाहे उन पर जुल्म कर सकते हैं, लेकिन जब गरीब का गुस्सा निकलता है तो कुछ ऐसा ही होता है। और हमें एक और बात का अंदाजा हो जाता है कि बच्चों के सामने हमें बहुत सोच समझ कर बातें बोलनी चाहिए, वरना फिर इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों अब आगे की दो स्टोरीज आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।